सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर कल से एक सेल शुरू हो रही है जिनमें आपको अच्छे अच्छे फ़ोन सेल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा डिस्काउंट के साथ दोस्तों बहुत सारे फ़ोन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस सेल से कौन कौन से फ़ोन खरीदने चाहिए। अगर आप कोई फ़ोन खरीदने सोच रहे हो तो आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए और किन फ़ोनों को स्किप करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ फ़ोन के बारे में यही बताऊंगा कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। डिटेल में आपको दोस्तों मैं किसी फ़ोन के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं हर फ़ोन के बारे में डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए अगर आप कोई फ़ोन खरीदने की सोच रहे हो तो। अगर आप कोई फ़ोन खरीदना चाह रहे हो या फिर कोई फ़ोन लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पहले पूरा देख लें जिससे आप एक अच्छा फ़ोन खरीद सको, जिससे आपके पैसे वेस्ट ना आए और आप एक ऐसा फ़ोन खरीद सको जिससे आपको लगे कि हाँ, आपने कोई अच्छा फ़ोन खरीदा है जो आपके मतलब का है, जो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप ना करना। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, कोई उसका चार्ज नहीं है। तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर सेल शुरू होगी कल से, जो कि 10 अगस्त तक चलेगी, यानी कि 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक चलेगी। दोस्तों, इस सेल में आपको काफ़ी सारे फ़ोन देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आपको काफ़ी फ़ोन ऐसे मिलेंगे जो अच्छे प्राइस पर हमें देखने को मिल रहे हैं, और कई फ़ोन दोस्तों ऐसे हैं जो सिर्फ सेल के नाम पर एक धब्बा हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इनमें से कुछ ऐसे फ़ोन बताऊँगा जो आप इस सेल में आप उन्हें खरीद सकते हो। और दोस्तों, इनमें आपको एक चीज़ देखने को मिल जाएगी कि आप अगर आपके पास सिटी बैंक या ICICI बैंक का कार्ड है तो आपको 10% डिस्काउंट देखने को और मिल जाएगा। यानी कि कोई फ़ोन आपको 20,000 रुपये मिल रहा है तो आपको उस पर डबल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको लिस्ट में बताता हूँ कौन सा फ़ोन आपको खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले जो फ़ोन आ रहा है वो आईफोन की तरफ से है, एप्पल की तरफ से, iPhone SE। दोस्तों, अगर आप एक आईफोन लवर हो, आपको एप्पल फ़ोन चलाना अच्छा लगता है, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो, जो कि आपको 37,000 रुपये देखने को मिल जाएगा, जिसकी पहले प्राइस थी वो 40,000 के आसपास थी, लेकिन अभी जो आपको सेल में 37,000 का देखने को मिल जाएगा। अगला फ़ोन है दोस्तों ओप्पो की तरफ से, OPPO Reno 2F। दोस्तों, आप इस फ़ोन को बिल्कुल भी ना लें, आप इसे स्किप कर दें। दोस्तों, अगला ये फ़ोन है रियलमी तरफ से, वो है Realme 6, जो कि हमें 6GB और 64GB वाला मिलता है 16,000 रुपये का। दोस्तों, काफ़ी अच्छा फ़ोन है इस रेंज पर, अगर आप इसे लेना चाहो तो ले सकते हो। अगला फ़ोन दोस्तों Realme 6 Pro, जो भी रियलमी तरफ से है। दोस्तों, इसकी जो प्राइस है वो है 18,000 रुपये। 18,000 रुपये दोस्तों, ये फ़ोन काफ़ी अच्छा फ़ोन है, वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसके अंदर जो हमें प्रोसेसर देखने को मिल रहा है वो स्नैपड्रैगन का 720G है, जिससे हमें अच्छी अच्छी गेमिंग देखने को मिल जाती है, बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा और बिल्कुल भी बैटरी को ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, काफ़ी अच्छा फ़ोन है इस प्राइस पर। अगला फ़ोन है दोस्तों आईफोन की तरफ से, एप्पल की तरफ से, iPhone XR। दोस्तों, 45,000 रुपये का फ़ोन है। अगर आपके पास पैसे फालतू रखे हुए हैं, अगर आपको एप्पल का फ़ोन चलाना अच्छा लगता है, तब आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो, वरना आप इसे स्किप कर दें। अगला फ़ोन है दोस्तों रियलमी की तरफ से, Realme X2 Pro, 29,000 रुपये का फ़ोन है दोस्तों, 8GB वाला। मैं कहूँगा अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो तो इससे बेटर है रियलमी का नया फ़ोन लो, जो कि है Realme X3 Super Zoom, जिसकी प्राइस है दोस्तों इसी के आसपास है, सेम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप उसे ले लें अगर रियलमी का फ़ोन लेना चाहते हो तो। अगला फ़ोन दोस्तों ओप्पो की तरफ से, OPPO A5S, 11,000 रुपये का। दोस्तों, इस फ़ोन की तरफ बिल्कुल ना आएँ, इसे स्किप कर दें। अगला फ़ोन दोस्तों रेडमी की तरफ से, Redmi K20 Pro, जिसकी प्राइस है 23,000 रुपये। दोस्तों, अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसमें जो हमें डिस्प्ले दी गई है वो दोस्तों AMOLED डिस्प्ले है और फुल व्यू डिस्प्ले है। बाकी मैं कहूँगा अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इससे बेटर है Realme X3 ले लो, जो कि नया लॉन्च हुआ रियलमी की तरफ से। इसके बाद दोस्तों Redmi K20 Pro, 22,000 रुपये का। अगर मैं फिर वही कहूँगा कि अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप रियलमी का Realme X3 ले लो, जो कि एक नया फ़ोन है जिसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे। अगला फ़ोन दोस्तों ओप्पो की तरफ से, A5S, बिल्कुल भी ना लें, स्किप कर दें। इसके बाद दोस्तों आता है ओप्पो की तरफ से OPPO Reno 2, स्किप कर दें। इसके बाद दोस्तों OPPO Reno 2Z, इस फ़ोन को भी बिल्कुल ना खरीदें, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। अगला जो फ़ोन है दोस्तों वो है आईफोन की तरफ से, iPhone 7 Plus, जिसकी भी प्राइस है वो है 35,000 रुपये। दोस्तों, मैं फिर भी बोलूँगा कि अगर आप एप्पल का फ़ोन लेना चाहते हो तो आप इसकी जगह iPhone SE ले लें, जो कि आपको 38,000 या 37,000 रुपये देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा फ़ोन लेना चाहते हैं जो इसी प्राइस में काफ़ी अच्छा हो,
तो आप वन प्लस तरफ जा सकते हैं, उनके काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन इस रेंज में देखने को मिल जाएंगे। अगला फोन है दोस्तों ओप्पो की तरफ से ओप्पो रोनो 10X जूम, जिसकी प्राइस है 27,000 रुपये। दोस्तों अगर ओप्पो फ़ोन आपको चलाना अच्छा लगता है, ओप्पो की जो ब्रांड है आपको काफ़ी पसंद है, तब आप इस फोन की तरफ जा सकते हो, वरना इसे आप इसकी कर दो। दोस्तों अब एक फ़ोन आ रहा है Honor 9S, जो कि आपको 6,000 रुपये देखने को मिल जाएगा, जिसकी सेल कल 12 बजे स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों 6,000 रुपये में आजकल कोई फ़ोन नहीं आते। अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हो जो कि नया फ़ोन है 6,000 रुपये में देखने को मिल रहा है, तो अगर आपको ये फ़ोन सेल में आपको मिल जाए तो आप इसे ले लो, क्योंकि 6,000 रुपये में दोस्तों कुछ भी नहीं आता, ले सकते हो तो ले लो, वरना मुझे पक्का बताया कि ये सेल स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों अगला जो फ़ोन है रेडमी की तरफ से वो है रेडमी 8, जिसकी प्राइस है 10,000 रुपये। दोस्तों अगर आप एक रेडमी फ़ोन खरीदना चाहते हो तो आप इसकी जगह रेडमी नोट 10 प्रो ले लें, उसमें आपको 500 या 700 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, लेकिन आपको उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर फ़ोन है। अगला फ़ोन है दोस्तों पोको X2, जो कि आपको 17,500 का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों पोको X2 काफ़ी अच्छा फ़ोन था और काफ़ी ज़्यादा बिक भी रहा है। इसकी जो डिज़ाइन है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसकी जो कैमरा है काफ़ी अच्छे हैं। इसमें सिर्फ आपको एक ही दिक्कत देखने को आएगी, वो है इसका कार्ड स्लॉट, जो कि एक हाइब्रिड स्लॉट है। अगर आप इसमें दो सिम लगाओगे तो मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाओगे, और अगर मेमोरी कार्ड लगाओगे तो एक सिम यूज कर पाओगे। तो दोस्तों 17,500 रुपये में काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छे डिजाइन के साथ आ रहा है। इसके जो कैमरा है दोस्तों फ्रंट और बैक में काफ़ी अच्छे अच्छे कैमरा है, तो आप इस फोन को ले सकते हो। अगला फोन है दोस्तों रियलमी की तरफ से रियलमी 5i, 11,000 रुपये का फोन दोस्तों स्किप करते हैं, क्योंकि इसमें हमें HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। 11,000 रुपये में दोस्तों आजकल फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगला फोन है दोस्तों रियलमी की तरफ से रियलमी C2, जिसकी रेट है 7,000 रुपये, स्किप कर दें दोस्तों, बिल्कुल भी ना लें। के बाद आता है दोस्तों ओप्पो की तरफ से ओप्पो A12, स्किप कर दें। दोस्तों अगला फोन जो आ रहा है वो है वीवो की तरफ से Y91i, स्किप कर दें दोस्तों, बिल्कुल भी ना लें। फिर आता है ओप्पो की तरफ से ओप्पो A9, इसको भी स्किप कर दें। अब दोस्तों इसके बाद आता है वीवो की तरफ से वीवो Z1 Pro। दोस्तों इसका जो 6GB और 128GB वाला वेरियंट है वो आपको 18,000 रुपये देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ी मिल रही है, और दोस्तों इसके अंदर जो हमें बैटरी देखने को मिलती है वो काफ़ी बड़ी बैटरी है 5000 mAh की, जिसमें आपको 2 दिन आराम से खड़े जाएंगे। तो आप इस फोन को ले सकते हो, काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों ये। इसके बाद आगे आ रहा है वीवो की तरफ से वीवो Z1X। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा, अगर आप इस फोन को लेना चाहते हो 17,000 रुपये में, तो आप इसका 128GB वाला वर्जन लें, क्योंकि इसके अंदर हमें कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता। अगर आपने 64GB वाला ले लिया तो फिर आप इसकी मेमोरी को एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। 64GB दोस्तों काफ़ी कम पड़ जाती है, क्योंकि आजकल जो एप्लीकेशन आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा जगह घेरती हैं। तो अगर आपको वीवो Z1X लेना है तो आप इसका 128GB वाला वर्जन लें। इसके बाद दोस्तों ओप्पो की तरफ से ओप्पो F15, स्किप करते हैं, बिल्कुल भी लाना है। अगला ये फोन है दोस्तों वो रियलमी की तरफ से रियलमी X2। दोस्तों 18,000 रुपये में हमें 128GB वाला वर्जन देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और दोस्तों इसका जो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है 730G। दोस्तों अगर आप एक ऐसा फोन लेना चाहते हो जो कि एक ऑलराउंडर फ़ोन हो और जिसकी जो बिल्ड क्वालिटी हो काफ़ी अच्छी हो, देखने में काफ़ी अच्छा लगे, तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हो। 18,000 रुपये में ये फ़ोन काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, आप इसे ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों रियलमी तरफ से Realme X, स्किप कर दो दोस्तों, काफ़ी पुराना फोन है रियलमी का, इससे बेटर तो आप यही ले लो Realme X2, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अब दोस्तों इसके बाद जो भी फ़ोन लिस्ट में आ रहे हैं वो सारे फ़ोन ऐसे हैं जिन्हें आपको स्किप कर देना है। जो फ़ोन मैंने आपको बताए हैं आपको उन्हीं में से लेना है जो मैंने आपको लेने के लिए बोला है, बाकी जो फ़ोन आपको स्किप करने के लिए बोला है आप उनको बिल्कुल भी लाना है, क्योंकि वो दोस्तों वैल्यू फॉर मनी फ़ोन नहीं है आज की डेट में। जो फ़ोन मैंने आपको बताया लेने के लिए आप उनमें से कोई सा ही फ़ोन ले सकते हो। और दोस्तों इनमें से आपको किसी भी फ़ोन का फुल डिटेल चाहिए, फुल डिटेल रिव्यू चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट करते हैं, उस फ़ोन का फुल डिटेल रिव्यू बना दूंगा, जिससे आपको लेने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आपको इस सेल से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, और आप किस फ़ोन पर अच्छे डिस्काउंट पा सकते हो और कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।